किस तरह से अक्षय कुमार ने करवाई अपनी ही फिल्म की बेइज्जती? क्या इस बार भी फीस को लेकर हटेंगे अक्षय पीछे? क्यों प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को करना पड़ेगा स्ट्रगल? दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च 2022 को रिलीज हुई और उससे कुछ दिनों पहले रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स, जो एक आंधी की तरह आई। वैसे द कश्मीर फाइल्स की आग अभी तक बुझी नहीं है, क्योंकि भाई इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड के हर मामले में अपनी राय देते रहते हैं और बवाल होता है। वैसे अक्षय कुमार एक इवेंट के दौरान जब इस फिल्म को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्होंने फिल्म की तारीफ तो की थी पर अपनी फिल्म की बेइज्जती भी कर डाली थी। दरअसल उस इवेंट में बात करते हुए कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आया और अक्षय ने कहा कि ये फिल्म तो इतना तहलका मचा रही है कि इसमें मेरी बच्चन पांडे की नैया भी डूब गई। अब सोचिए खुद, अक्षय इस फिल्म के हीरो ही अगर ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा? वैसे एक विवेक तो खुश हो गए पर बच्चन पांडे की पूरी टीम बहुत नाराज हुई, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर उम्मीद है कि बच्चन पांडे 2 के वक्त अक्षय को ये कहने की नौबत ना आए। वैसे देखा जाए ना तो फीस के मामले में अक्षय ने प्रभास और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़े मियां छोटे मियां 2 के लिए उन्होंने 150 करोड़ की फीस ली है और उनकी आने वाली फिल्म सिंड्रेला के लिए 135 करोड़, यानी कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर के पोजीशन पर अभी भी कायम है। दरअसल बच्चन पांडे के वक्त अक्षय ने 99 करोड़ फीस ली थी। उनकी फीस की वजह से ही फिल्म का बजट 170 करोड़ का रखना पड़ा था, पर फिल्म तो फ्लॉप हो गई। इसीलिए बच्चन पांडे 2 के लिए अक्षय 100 करोड़ से कम तो नहीं पर उससे ज्यादा भी फीस नहीं लेने वाले हैं। इस बार फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ही अक्षय कुमार हाँ करेंगे, वरना वो इस फिल्म को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़े भी तो 100 करोड़ तक ही उनकी फीस होगी। दोस्तों, बच्चन पांडे फिल्म को लेकर ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें थी। वैसे ट्रेलर भी पसंद आया था पर फिल्म तो फ्लॉप हो गई। इसके पीछे की वजह थी फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी में कुछ खास था नहीं। अब डायरेक्टर फरहाद सामजी फिल्म के डायरेक्टर थे, उनका डायरेक्शन भी बहुत ही खराब था, पर पूरी तरह से उन्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी, उस तरह से कहानी लिखने में साजिद नाडियाडवाला यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी शामिल थे, इसलिए वो फरहाद को ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और यही एक्सपीरियंस उन्हें हाउसफुल 4 के वक्त भी आया था, क्योंकि उनकी फिल्म एंटरटेनमेंट में कुछ भी कमाल नहीं कर पाई थी। तो फिल्म के सीक्वल के लिए अब साजिद के पास एक ही ऑप्शन है और वो है डायरेक्टर को बदलना, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या फिर उन्हें एक अच्छे राइटर की ज़रूरत है। इस मामले में सलमान खान उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, पर ये सब कब होगा ये पता नहीं। दोस्तों, क्या आप बच्चन पांडे के सीक्वल के लिए एक्साइटेड है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।